चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की अपॉइंटमेंट करने का पंत्र प्रधान मोदी जी ने पंद्रह अगस्त स्वतंत्र दिन के समारोह में लाल किले से अनाउंसमेंट की है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है क्योंकि अगर ये महत्वपूर्ण है ये अनाउंसमेंट अगर महत्वपूर्ण मानी जाए तो फिर इतने सालों में ये क्यों नहीं हुआ यह आपका प्रश्न बहुत अच्छा है देखिए ऐसा है आज का जो वॉर है इतना कॉम्प्लेक्स है प्रत्यक्ष चीज़ नहीं होती हैं आजकल आजकल परोक्ष चीज़ होती हैं आपका वो इन, आई भी बंद कर दें आपका जैसे एस्टोनिया में कंट्री चलती है बहुत आई है अभी आपकी आई बंद कर दें आपके पानी में जहर मिला दें तो ये लड़ाई आजकल ऐसे होने वाली नहीं है साफ साफ क्या मतलब आपने कंपार्टमेंट बना दिए आर्मी थल सेना जल सेना वायु सेना ये गलत है सारी फोर्सेस कंबाइंड हैं अभी जहाँ सावरकर साहब स्वर्गीय सावरकर जी अंडेमान जेल में रहे तो अंडेमान के अंदर पोर्ट ब्लेयर के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड है क्यों अंडेमान एक छोटी सी जगह है इन, आर्मी भी ऑपरेट करती है वहाँ इंडोनेशिया पास में है साउथ ईस्ट एशिया पास में है पूरी मर्चेंट शिप्स जाती हैं वहाँ टूवर्ड्स तो ऑयल लेके गल्फ से चाइना की तरफ तो वो क्या है आर्मी भी है एयरफोर्स भी है नेवी भी है हर मॉडर्न कंट्री में एक कंसेप्ट है यू हैव इंटीग्रेटेड कमांड नॉट डिवीजन अब डिवीजन में क्या हो गया आर्मी को चाहिए एयरफोर्स अटैक करने के टाइम मैं अगर आर्मी का कमांडर हूँ मुझे पर्टिकुलर एनिमी को सॉफ्ट करने के लिए टारगेट को सॉफ्ट बनाने के लिए एयरफोर्स को फोन करता हूं मुझे एयर एयरोप्लेन भेजो कोई भी ह्यूमन नेचर ईगो की वजह से या मेरे पास टाइम मैं रेडी नहीं हूं वो एयरप्लेन टाइम पे नहीं आता ये हुआ है वो टाइम पे नहीं आता है तो क्या होगा देश का नुकसान है अभी जो मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी से पढ़ा हूँ वो क्यों बनाई गई इसलिए भाई हर आदमी मैं जनरल बन गया वो एयर मार्शल बन गया वो एडमिरल बन गया हम बैचमेट है, है तो कल को हम सीनियर है एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं तो इंटीग्रेशन है। तो तो है। है, भा, ऊंचा सवाल है क्या ऊंचा सवाल है हर सरकार आती है पांच साल के लिए आती है वो अपना बच, कुर्सी बचाने का काम पहले रहता है उनका तो कई बार डिसीजन ले नहीं पाते ठीक से तो क्यों उनको टाइम ही नहीं है उनको सोचने का तरीका नहीं है तो बड़ी अच्छी बात ही, मोदी है मोदी साहब हैं स्ट्रॉग हैं इतनी मेजोरिटी लेके आए हैं और देश के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये वो कदम उठा सकते हैं क्या देश हित में भाई इंटीग्रेट करो यू कंजर्व रिसोर्सेज बेटर कोऑर्डिनेशन हावर अभी देखना ये है अभी तो देखिए कैसे निकलता है आगे आगे देखिए होता है क्या अब आई वाले हैं और हैं तो क्या है उनको पहले बता दिया करते थे ब्यूरोक्रेट्स को मसूरी में क्या सिखाया जाता है देखो भाई तुम तो आई में आ रहे हो तुम तो परमानेंट रूलर्स तुम हो ये तो मिनिस्टर वगैरह तो आते जाते लोग हैं तो वो उनको क्या फाइनली गाइडेंस देते हैं सुन, देखना पड़ेगा ऑपरेशन कंट्रोल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रिपोर्टिंग किसको है सीडीएस को होनी चाहिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का रिपोर्टिंग किसको होना चाहिए सीडीएस को जो बना है होनी चाहिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ उसको होनी चाहिए अगर है तो कल को पॉलिटिकल लीडरशिप एक सीडीएस को बोल सकती है भाई ये करना है कैसे करना है आप देखो कितनी आर्मी लगानी कहाँ कितनी नेवी लगानी आप कंबाइन करो तो ये अगर हुआ तो देश हित का फैसला आई और क्यों रोका गया पीछे वो तो जो भी पॉलिटिकल चीज़ें होंगी उसके लिए मैं नहीं कहना चाहूँगा